गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदे गुरुपदनंदं भक्तवृंदसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वंदे नित्यानंदसहोदितं नंदनंदनं वंदे राधिकाचरणद्वयं गोपीनां समयुक्तानां वृंदावनमनोहरं। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्तमाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासीवृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद सभीयों की चरण कमलों में मेरा यथावथा दंड प्रणाम स्वीकार हूँ। आज बहुत सुंदर महत्व दिवस है क्योंकि आज प्रभुपाद की करके नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की तिरुभाव तिथि हम मना रहे हैं। वैष्णव के मुखारविंद से उनकी अपराजित जीवन चरित कथा शिक्षाएं हम श्रवण कर रहे हैं और साथ ही साथ आज मधुरेण समापयित बहुत सुंदर रूप में बलदेव प्रभु की जो विग्रह हम लोग ने दर्शन किया और इसके पश्चात कृष्ण के जन्म स्थान जो है नंद गोकुल दर्शन किया, इसके पश्चात कहाँ गए, रावल में हम लोग गए और उधर की महिमा कथा हम लोग श्रवण किया बहुत सुंदर। कल्प भेदी से हरि कथा विभिन्न कल्प में श्रीमती राधिका विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुई, जन्मग्रहण भी किया जिस कथा वैष्णव के मुखारविंद से हम लोग श्रवण किया। किसी कल्पों में श्रीमती राधिका बरसाना में विषभानुखोर में प्रकट हुई थी,
किसी कल्प कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका कमल से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से भी प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका साक्षात कृतिदा देवी के गर्भ से भी प्रकट हुई, कृतिजा सुदा भी कहा जाता है। इसी प्रकार कल्प भेदेश हरि कथा राधा जी की जन्म वृत्तांति कथा जो है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण, अनेक पुराणों में राधा जी की जन्म वृत्तांत जो है श्रील व्यासदेव गोस्वामी वर्णन किया गया। इसी कल्प में श्रीमती राधा जी की प्रकट लीला जो है ये रावल में और जमुना में प्रकट हुई, जिस कथा हम लोग श्रवण किया। और इसके पश्चात हम लोग भी कहाँ गए थे, लौह वन भी गए, किंतु लौह वन द्वादश वन के एक विशेष वन भी बताया जाता है, है कुछ लोग दर्शन किया कुछ लोग दर्शन नहीं किया, जैसे जैसे अनुकूल परिवेश के अनुसार सभी ने स्थानों पर गए। बहुत सुंदर ये सब स्थान के दर्शन किया, और विशेष करके मैं दो शब्दों के द्वारा यही कहना चाहता हूँ, ये नित्यलाल प्रश्न विष्णुपाद अश भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज किस प्रकार दीनहीन होकर के रहते थे। दिनेरे अधिक दया करन भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान। जो उच्च कुल में जन्म हो और विद्या पांडित्य और सौंदर्य आदि ये सब रहने पर लोग अहंकारी हो जाते हैं, थोड़ी सी किसी की ज्ञान हो जाता है अहंकार हो जाता है। कोई कोई देखने में सुंदर हो, मिस यूनिवर्स हो, अहंकार हो जाता है। धनवान कोई हो तो मदमत्त हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं अहंकारी मत्त हिया निताई पद पासरिया असत्य रे सत्य बोली मान। इस प्रकार संसार में लोग हो ही जाता है, किंतु हम लोग श्रवण कर रहे हैं। देखो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज समस्त प्रकार की गुण होते हुए पर भी कैसे दीनहीन होकर के रहते थे। रूपादि के गुणों में भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुई थी। बहुत सुंदर उनकी जीवन चरित कथा जो है गुरुदेव भी बताते थे किस प्रकार वैष्णव के सम्मान आदि करते थे। देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ऐसे जो विशाल जो प्रचार आदि किया, कैसे ऐसे से महापुरुष जो है उनके साथ सम्मिलित हुए, नहीं तो उस समय ब्राह्मण समाज इतने उच्च स्तर में थे, उनके दबाना इतने सहज नहीं था, इसलिए गुरुदेव सुनाते थे। ये देखो क्योंकि इस संसार में लोग कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जैसे एक ग्रंथ है ब्राह्मण वैष्णव विजय ग्रंथ है, ये बहुत सुंदर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की वो ग्रंथ है ना, वैष्णव विजय ग्रंथ है, बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ है। क्योंकि उस समय ब्राह्मण समाज इतने समाज को दबा करके रखते थे, किंतु देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और सब उच्च शिक्षित और उच्च कुल के ऐसे ब्रह्मचारी के द्वारा ही सुंदर सुंदर आर्टिकल प्रकाशित करते थे, उनके द्वारा ही प्रकाशित करते थे। और उनकी जो माने गृहस्थ जो
नाम जो उसी नाम ही के द्वारा ही प्रकाशित करते थे, क्यों शास्त्र में कहा गया ब्राह्मणानं सस्रिपो क्षत्र जाति विशिष्टते। ब्राह्मण लोग कहते हैं ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ में है, मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है, ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है। भागवत में भी आ रहे हैं, उद्धव स्तुति में आ रहे हैं, एता परांग तुनुभूतो भूवि गोपो बद्धो गोविंद एव निखिल आत्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति जद्भवभ्यो मुनयो वयंच। किंग ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्। किंग जन्म भी कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया किंतु भगवत कथा में रुचि नहीं हुई, उसके ब्राह्मण जन्म व्यर्थ कहा जाता है। यहां तक भी ब्राह्मण जन्म छोड़ दिए, ब्रह्मा जी की भी पद भी प्राप्ति कर ली यदि उसके कथा में रुचि नहीं हुई। कौन सा कथा में है? गोपियों की प्रेम माधुर्य कथा में जिसके रुचि नहीं है उसके ब्राह्मण जन्म और ब्रह्म पद भी व्यर्थ है। देखो एता परांग तुनुभूतो भूवि गोपो बद्धो गोविंद एव निखिल आत्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति जद्भवभ्यो मुनयो वयंच। किं ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्। अनंत कथा के रासलीला की कथा, समय कम होने के नाते इस साल दामोदर अष्टक पूर्ण संपूर्ण रूप पाठ नहीं हुआ, किंतु हम लोग दिल्ली में जो है 15 दिन कितने दिन था 10 दिन जो है उसको हर रोज पाठ करते, किंतु यहाँ पर समय संक्षेप होने के नाते और हर रोज परिक्रमा एक दिन भी विश्राम भी नहीं दिया, बिल्कुल नाक में क्या लगा देते हैं नके लगा करके ही दौड़ा घोड़ दौड़। सुबह 5 बजे उठ करके आरती के बाद चलो, और फिर अभी कब आ रहे हैं 6 बजे अभी आ रहे हैं। थकान आ जाती कि नहीं आता भाई? शरीर तो मनुष्य शरीर है, पशु शरीर होते तो तब कुछ भी सहन लेते हैं। मनुष्य शरीर है नहीं, हम मनुष्य शरीर होने के नाते थकान भी आ जाता है, माने इतना होता ही नहीं है, एक दिन भी खाली नहीं रखा गया है, गधे के भांति दौड़ थोड़ा बहुत परिश्रम ही होना चाहिए है। गुरुदेव के समय जो है थोड़ा बहुत बीच बीच में 2-4 दिन के बाद एक दिन भी विश्राम देना चाहिए कि नहीं? कोई भी नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, 6 दिन के बाद एक दिन क्या है? अरे वो जाए उसमें रिलैक्स होता है, वो से रिलैक्स होते हैं मन के लिए। तो जैसे भी हो हम कह रहे हैं ये भगवत कथा में रुचि यदि नहीं हो, इस श्लोक में कह रहे हैं एता परांग तुनुभूतो भूवि गोपो बद्धो गोविंद एव निखिलात्मी रूढ़ भावा वांछन्ति जद्भवो मुनय वयंच। किं ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं ये गोपियों की साथ कृष्ण के साथ रासलीला की कथा में जिसके रुचि नहीं है, अनंत शब्द के अर्थ अनंत कथा की क्या है? नमो अनंत देवाय तुभ्यम। उसकी टीका में लिख रहे हैं अनंत क्या है? भगवान की जितने भी लीलाएं हैं अनंत लीला क्या है? न अंत, जिसकी कोई अंत नहीं है। जैसे रासलीला की कथा की सबसे कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है? रासलीला कथा। यदि रासलीला की कथा में यदि रुचि नहीं हो तो अब क्या ब्रह्म जन्म भी व्यर्थ, अथवा ब्रह्म पद को प्राप्ति करना भी बेकार हो जाता। और इसलिए देखो हम इसलिए कह रहे हैं ये समस्त जो है लेख में ऐसे सुंदर सुंदर लिखते थे, उसमें एक कहा जाता है जैसे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के जीवन चरित हम श्रवण कर रहे हैं
प्रभुपाद के ऐसे सिद्ध हस्त लेखनी लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, और आर्टिकल वे ब्राह्मण के द्वारा ही, वो अपने ब्राह्मण के परिचय देकर लिखते थे। क्यों? लोग कहते भाई ब्राह्मण ही लोग लिख रहे हैं तो और प्रमाण दे रहे हैं ना, शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ की वैष्णव श्रेष्ठ, जो कई ब्राह्मण हो सकते हो वैष्णव नहीं हो सकता है, किंतु कई वैष्णव हो वो क्या है, ब्राह्मण होगा। समझ में आ रहा कि नहीं है? ऐसे से पुष्ट रूप में लिखते थे उसने शास्त्र प्रमाण, जैसे श्लोक मुझे बता रहा, ब्राह्मणानां सस्रेभ्यो सत्र जाति विशिष्यते सत्र जाति सस्राणां। ये श्लोक पुराण की श्लोक है, उसके प्रमाण दे करके लिखते रखते हैं। इसलिए हम कर रहे हैं वैष्णव कैसे, और भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म है, और लिख करके और ऐसे सुंदर सुंदर आर्टिकल भी लिखते थे प्रभुपाद की। इसलिए हम इसलिए कहते हैं प्रभुपाद की जो प्रचार प्रसार कैसे हुई, ऐसे ऐसे युग शिष्य है। अच्छा देखो, भगवान के प्रचार कौन करता है? भक्त करते हैं, और भक्त क्या करते हैं? भगवान के प्रचार करते हैं। एक छपते हैं और एक छपाते छिपाते हैं। क्या बोला? एक छपते हैं और एक छुपाते हैं। छुपाते माने अपने को छुपाते, भगवान कभी कभी अपने छुप जाते हैं, और भक्त क्या करते हैं? भगवान को प्रकाश कराते हैं, और कभी कभी भक्त छुप जाते हैं, और भगवान क्या करते हैं? भक्त को जय प्रकाश करते हैं। तात्पर्य क्या है? स्वयं भगवान भक्त के महिमा को कीर्तन करते हैं, और भक्त भगवान की महिमा कीर्तन करते हैं। यही तो कह दिया। हमारे कहने की तात्पर्य जो है, यदि ऐसे से महापुरुष जगत में प्रकट नहीं होते, आज हम लोग इस शुद्ध वैष्णव की विचारधारा हम कैसे समझ पाते है? क्योंकि उस समय वैष्णव क्या बोले, ब्राह्मण समाज जो है एक व्यवसाय बना लिया था, व्यवसाय समझते हो, बिजनेस बना लिया था है? और कुछ करते नहीं थे, बस न केवल शिष्य कर लिया और उससे धन उपार्जन कर लेते थे, किंतु वास्तव रूप में जो शुद्ध ज्ञान आदि प्रदान करना, शुद्ध आचरण आचरण आदि करना, ये सब कम हो गया। इसलिए एक ग्रंथ जो कह रहे हैं क्या बोले, ब्राह्मण और वैष्णव, इसके ऊपर भी सुंदर ग्रंथ दिखा गया, विचार दिखाया गया, विशेष करके मेदिनीपुर में वो कौन सा एक स्थान है, बालीघाई, ऐसे स्थान पर जो है विचार आदि होते थे, क्योंकि उस समय मिदनापुर में उस समय लोग बहुत तार्किक होते थे, इसलिए परम गुरु महाराज उस स्थान पर जाते थे, इसलिए उस स्थान पर प्रचार करना बहुत कठिन था। आजकल हम जो प्रचार करते हैं ये तो सहज सरल हो जाता है, किंतु उस समय प्रचार करना इतना सहज नहीं था। विशेष करके आज तक भी जाओ मिदनापुर में प्रचार करने के लिए आपको दबा देंगे, आपके देखो आप 5 मिनट के अंदर एक व्यक्ति खड़े हो जाएंगे और इधर के उधर प्रश्न आपके कर देंगे, बता देंगे द्रौपदी के कहां जन्म हुई, कैसे हुआ, ऐसे उल्टा और किसी किसी चौदह पुरुष फोर्टीन फादर्स के नाम बताओ, वही करते हम लोग, ये करते हैं, बोले आप अपने नाम गिनो। ये सब जो है प्रश्न आदि करते रहते हैं, इधर के प्रश्न उधर के प्रश्न, न्याय के प्रश्न भी करते रहते हैं। पाठ प्रवचन करना बहुत कठिन होता था, किंतु देखो ऐसे ऐसे महापुरुष आकर के समाज में जो है ये यथार्थ जो है वैष्णव किसको कहते हैं, वैष्णव की परिभाषा क्या है, ये सब दिखाए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, एक शब्द कहते थे देखना,
मेरे गुरु श्री बामन गोस्वामी महाराज ये कहते थे, वैष्णव होते छिलो मोर साथ त्रिनाद भी सुनिज शोके श्लोके पड़े गलो बाद, बंगला शब्द बोलते थे। मेरे गुरुदेव जो है ज्यादा जो है ज्यादातर जो है पूर्व बंगाल की कथा बोलते थे। पूर्व बंगाल से जिसके ईस्ट बंगाल हम कहते हैं, अभी जिसको कहा जाता है बांग्लादेश है आस, क्यों मेरे गुरुदेव वहाँ पर भी प्रभुपाद से लेकर सभी तो पूर्व भक्ति प्रज्ञान के सब शब्द पूर्व बंगाल से है ना है, ये पूर्व बंगाल की कथा है बोलते थे। बोले वैष्णव होते छिलो मोर साथ, मैं वैष्णव होने के लिए मैंने इच्छा किया, किंतु जब देखा महाप्रभु जी शिक्षा तक थर्ड श्लोक जब मैं पढ़ा, थर्ड श्लोक क्या है तृतीय श्लोक, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा, त्रिनादपि सुनीच तस्में कैसे होनी चाहिए, त्रीन से भी नीच होनी चाहिए, त्रीन यानी घास, घास के ऊपर आप पैर रख दीजिए घास दब जाएगा, क्यों दाब करके भी वो भी मानो वो क्या करेगा, वो भी कहेंगे आप मुझे क्यों दबा रहे हो है, इसका त्रिनाद भी सुनीच उससे भी नीचे है, त्रिनाद भी सुनीच तरोरी व सहिष्णुना, किसके भांति सहिष्णु गुण होना चाहिए है, पेड़ के भांति, देखो पेड़ को काटने पर भी वो छाया देते हैं, सुगंध भी देते, चंदन वृक्ष है ना, चंदन के जो पेड़ जो है जिस कुल्हाड़ी के द्वारा काटोगे उस कुल्हाड़ी के भी क्या कर देते हैं, सुगंध भी दे देते हैं। देखो इस जगत में कोई है हमें मुझे कोई निंदा करे मैं साथ ही साथ उसके भी जवाब दे देता हूं है, किंतु देखो इसमें देख करें जिस पेड़ के काटते हैं उस पेड़ के उस पेड़ भी छाई क्या देते छाया भी देते हैं है? और सब प्रकार के जो है धूप है आदि सब सहन आदि करते हैं, फल भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, इसका त्रिनाद भी सुनीचे नो तरुव सूचना अमानी नो मान देनो कीर्तनीय सदाहरी, अमानी अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई तो नहीं चाहते और दूसरे की क्या करते हैं सम्मान देते हैं है? देखो हम इसलिए कह रहे हैं जो भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जब जीवन चरित हम श्रवण करते हैं फिर वास्तव इतनाद भी श्लोकी मूर्तमान प्रतीक कहा जाता है, इसलिए हमारे गुरुदेव भी कहते हैं ये वैष्णव होते छिलो मोर साथ त्रिनाद भी सुनी श्लोकेर पड़े गलो बाद, बाद माने मैं देखा आप मैं कोई वैष्णव कभी बन नहीं पाऊंगा है, वैष्णव कहते हैं कौन कौन वैष्णव बनना चाहते हैं हाथ उठाओ, ये कह रहे हैं है? यदि वैष्णव बनना चाहते इसके करना पड़ेगा है, त्रिनाद भी सुनीच तरुण व सहिष्णु अमानी और मान है, अहंकार आ जाता है किंतु ये सब अहंकार को त्याग देना पड़ता है। हम अभी अभी श्रवण के त्रिनाद एक श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज कैसे दीनहीन होकर के रात है आसन, हमने उनकी जीवन चरित्र एक कथा सुनी बहुत सुंदर जो है जिसे आप लोग भजन रहस्य ग्रंथ पढ़े कि नहीं पढ़े, कौन कौन भजन रहस्य ग्रंथ पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आप भजन रहस्य ग्रंथ यहाँ से ले लो, हिंदी में भी है अरबी इंग्लिश में भी है, भजन रहस्य ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है, यदि वास्तव रूप में शुद्धा भक्ति में प्रवेश करना है दो ग्रंथों के आप अति अवश्य पढ़े, एक भजन रहस्य ग्रंथ और दूसरी माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ है, माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में तत्व सारे तत्व आदि उसमें है और भजन रहस्य ग्रंथ में बहुत सुंदर रस माधुर्य ग्रंथ है सब है, इतने सुंदर जो है हर भजन रहस्य ग्रंथ में हर चैप्टर में है सब एक एक अष्टकांडी लीला के वर्णन कर दिया है, देखो कितने सुंदर जो है, ये देखो ये भजन रहस्य ग्रंथ अति अवश्य ही पढ़े है, यू हैव टू रीड
भजन रहस्य ग्रंथ है। गुरुदेव कई बार, एक बार नहीं, मथुरा में अनेकों बार जो भजन रहस्य ग्रंथ है पाठ किया, कार्तिक में भी पाठ किया है। और दूसरी ग्रंथ क्या है? माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ है, बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया कैसे धीरे धीरे, किंतु ये भजन रहस्य ग्रंथ पढ़े, माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ भी इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ। इसलिए भजन रहस्य ग्रंथ के जो अध्ययन करेंगे ना, सारे ग्रंथ अध्ययन हो जाता है। इस ग्रंथ को अवश्य पढ़े, बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए हमें कह रहे हैं, इसके इस भजन रहस्य ग्रंथ के प्रीफेस जो है प्रस्तावना में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद एक लेख लिखे हैं, प्रस्तावना में लिखा है। आप देख रहे, इसमें प्रस्तावना में लिखा है एक अर्चन मार्ग और एक ये राग मार्ग है, भाव मार्ग कहा जाता है। अर्चन मार्ग के कहा जाता है, विधि मार्ग कहा जाता है। विधि मार्ग में क्या है ना, समस्त शास्त्र की विधि के पालन करके चलना पड़ता रहता है। एक कोई वैष्णव जो है यही भजन रहस्य ग्रंथ के प्रीफेस पढ़ रहे थे, और उस प्रीफेस में जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी कहा उसी पढ़ जा रहे है, उसके व्याख्या कर रहे थे। और इसमें इसलिए अर्चन मार्ग के कहा जाता है, क्या क्या बताया, विधि मार्ग जो है। अच्छा, विधि मार्ग के लोग, विधि मार्ग कौन पालन करते हैं है? कनिष्ठ अधिकारी के लिए शास्त्र कहे अर्चमय हरे प्रजन श्रद्धेश नतद भक्ति चान्यसु सभक्त प्राकृत स्मृत है। कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण क्या होता है न, कनिष्ठ अधिकारी के मूल लक्ष्य होता है ये कैसे, अर्चा विग्रह के सेवा आदि करना। अर्चा विग्रह ना ठाकुर जी की सेवा आदि में लगे रहते हैं, अर्चन हरे विजन। किंतु शास्त्र ज्ञान की अभाव होने के नाते शुद्ध वैष्णव के जो है वो ठीक ठीक से पहचान नहीं पाते और सम्मान दे नहीं पाते है। इसलिए लिखा गया, जे जमान वैष्णव चीनिया लोहिया आदर करीबे जबे, जो जैसे वैष्णव है उसी प्रकार उनकी आदर होनी चाहिए। सब एक नहीं है, कुछ लोग कहते हैं सब तुलसी पत्ता सब एक बराबर है, छोटा तुलसी पत्ता और बड़ा तुलसी पत्ता में कोई भेद है? बोले सब वैष्णव एक सब बराबर है, क्योंकि तुलसी पत्ता भेद तो भेद नहीं है, किंतु शास्त्र में क्या कहा गया, वैष्णव के भेद है कि नहीं है? भेद हम लिखे वैशिष्ट है, कोई कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव है, कोई मध्यम अधिकारी वैष्णव है और कई उत्तम अधिकारी वैष्णव है। कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव भी तीन प्रकार के हैं, कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम। मध्यम अधिकारी भी तीन प्रकार के हैं, मध्यम कनिष्ठ मध्यम मध्यम और मध्यम उत्तम। और उत्तम भागवत भी तीन प्रकार की है, सब बराबर नहीं है, उत्तम कनिष्ठ और उत्तम मध्यम और उत्तम उत्तम भागवत है। इसमें भी वह दिखा रहे भगवत पार्षद देह प्राप्त ऐसे जो, और एक है निर्दूत कषाय और तीसरी क्या है मूर्छित कषाय है। इसको व्याख्या करने के ज्यादा समय लगे, जस्ट मैंने मेंशन कर रहा हूं है, क्योंकि ये सब विचार हमें लेना पड़ेगा, नहीं तो कहते हैं अरे सब वैसे एक बराबर है बस है, सभी को क्या करो एक पंक्ति में बैठा दो, पंक्ति समझते हो, एवरीबॉडी सीट सेम लाइन है, छोटे बड़े कोई है सब वैष्णव है। बोले ऐसे नहीं, इसलिए शास्त्र में कहा गया जे जमान वैष्णव चिनिया लोहिया आदर करीबे जबे है, वैष्णव कृपा तब वैष्णव की कृपा हम प्राप्त करेंगे है। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी के वैष्णव उसमें दिखा रहे, इसलिए प्रीफेस में लिखा गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद प्रीफेस में लिखा जे कनिष्ठ अधिकारी की रुचि किसमें रहते हैं, अर्चन में रहता है। उसी प्रसंग में कोई एक उदाहरण देते हुए उन्हें कहने लगे है, देखो प्रभुपाद की गणों में जो है हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के जो है अर्चन में बहुत एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट समझ तो बहुत वो दक्ष थे है। अर्चन कैसे करना, जितने भी मंदिर प्रतिष्ठा हो, विग्रह प्रतिष्ठा हो,
अथवा वो मंदिर के ऊपर जो है चक्र जो प्रतिष्ठा हो है, ये प्रतिष्ठा आदि कार्य में सभी को वैष्णव जो है उनको बुलाते थे है, और विधिवत है नियम के अनुसार करते थे है, जैसे विधि जैसे पूजा आदि करना है, सभी करना नियम के अनुसार करते थे। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने ये बताया, किंतु उसी सभा में उस कथा में जो है क्या बोले भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के एक शिष्य बैठे हुए थे, किंतु ये वो समझे नहीं है, ये तो उदाहरण के लिए दे रहे थे, ये नहीं कहा जे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी पाद कनिष्ठ अधिकारी, ये नहीं बताया उन्होंने। थोड़ा हम लोग क्या कुछ बोलते हैं, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग अथवा मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, असल हमारे क्या होता है मन खट्टा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, हम जिस कथा को ठीक ठीक से हम समझ नहीं पाते हैं, पर ठीक से हम धारण कर नहीं पाते हैं, विचार कर नहीं पाते हैं, तब हमारे मन क्या हो जाता है खट्टा हो जाता है, और ठीक उसी कथा में जो है ये वैष्णव को बता रहे थे भागवत जो प्रवेश पढ़ने वाले जी, तो वो भी बताया है वो अभी समाप्त कर उस वो सोचने लगे ये मेरे गुरुदेव क्या है कनिष्ठ अधिकारी है कनिष्ठ अधिकारी है। इसलिए वो सभा से उस प्रवचन से उठ करके गए और जाकर के भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के निकट जाकर के बोले ये गुरुदेव, और उस कथा जो एक जो है वैष्णव जो है आपके बारे में कहा, क्या बोला आप कनिष्ठ अधिकारी है, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए अच्छी तरफ से, उन्होंने नहीं कहा ये पुरी गोस्वामी महाराज कनिष्ठ अधिकारी, जैसे अभी सुन रहे देखो अर्चन मार्ग, अर्चन भी जो है सर और अर्चन मार्ग भी है एक नहीं है, श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं मंदिर मार्जनम अर्चनम कुंज सेवायाम, एक उत्तम अधिकारी भक्त मंदिर जो है साफ कर रहे हैं और एक कनिष्ठ अधिकारी मंदिर साफ कर रहे हैं, समझ में आ रहे, एक झाड़ू दे रहे हैं एक कनिष्ठ अधिकारी झाड़ू दे रहे हैं, समझ में आ रहे, और एक उत्तम भागवत भी झाड़ू दे रहे हैं है? जैसे आप लोग देखना पत्रिका में देखना है मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज, देखा ना रथ यात्रा के समय झाड़ू दे रहे हैं श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी त्रिविक्रम महाराज सब खाड़ी में सब झाड़ू दे रहे हैं, तो इसके मतलब ये लोग कनिष्ठ अधिकारी है क्या, झाड़ू देना कनिष्ठ अधिकारी है, इसलिए जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं है कुंज सेवायाम है भाव की अंतर हो जाता है, विविध कुसुम बिंदु दम्बल धारी विविध मधुगुण केकी बिंच प्रशस्ति मधुर बिंब दिगुण तम्बुल राग स्फुरत अमल कपलंग राधिका अर्चयामि, या रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं राधिका अर्चयामि, राधा जी के अर्चन, क्या कनिष्ठ अधिकारी है ये आप बताओ, किंतु कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं मेरे गुरुदेव के क्या बता रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी। चलो उन्होंने जाकर के भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी पाद के निकट जाकर के बोले गुरुदेव है आपको जो है व्यक्ति आपको वो वैष्णव आपको क्या बोले कनिष्ठ अधिकारी, देखो इतने सुनते ही भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कितने प्रसन्न हुए, उनके हम लोग देखा जाए कुछ भी बोलते थे ना ये जब माला गिर हरी बोल है, उनके दर्शन करने के लिए बहुत सौभाग्य प्राप्ति है, इतने सुंदर है उन्हें बोले बहुत अच्छी बात बताए है, देखो तिना देवी सुनी कैसे कहा, देखो उन्हें कहा मैंने सोचा था जीवन में कभी वैष्णव नहीं बन नहीं पाऊंगा, किंतु आज कई वैष्णव मुझे क्या बोला मैं कनिष्ठ वैष्णव, और चैतन्य चैतामृत में क्या लिखा आज कनिष्ठ वैष्णव है, कुछ समय के बाद एक साल दो साल के बाद क्या बनेंगे वो मध्यम अधिकारी बनेंगे, एक एक क्लास में सबसे पढ़ाते रहेंगे पढ़ते रहोगे क्या आप है, कुछ साल के बाद एक साल के बाद दूसरी क्लास में जाना है कि नहीं जाना, तीसरी क्लास में जाना है चौथी क्लास में जाना है, देखो उसी प्रकार भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज दीन हो करके बोले हरी बोल आज एक वैष्णव मुझे क्या बोला मैं वैष्णव हूं, किंतु मैं जीवन में कोई वैष्णव
ये मेरा कोई भावना ही नहीं था, मैं चिंता ही नहीं की ये मैं वैष्णव बनू, किंतु आज जो आप वैष्णव मुझे वैष्णव बताया है, कनिष्ठ अधिकार तो वैष्णव तो दिया मुझे टाइटल है, यदि तुम्हारे ऐसे विचार हो तो आगे जाकर हम क्या बनूंगा, मध्यम अधिकारी, इसके बाद जाकर उत्तम अधिकारी। पर तुम्हारे मन खराब होने के कारण क्या है, खट्टा होने के कारण क्या है? देखो इसी के कहा जाता है त्रिनादपि सुनी है, इनके जीवन चरित्र इतने सुंदर है अभी बता रहे ना, बड़े समय हो गया है, उनकी कथा बहुत सुंदर सुंदर कथा है। हाँ, काल वैष्णव भी होम भी है, महाराज जी भी बता रहे हैं। माँ तो किसी को बोला ही नहीं कुछ, हाँ हम लोग को ये ध्यान नहीं दिया ना है, इतने इतने घोर दौड़ करा रहे तो क्या ध्यान कहाँ दे देंगे। आप बताओ, एक दिन भी तो हम लोग नवामी शरणम करके यहाँ पर बैठे ही नहीं है ना, उसे ये किया है, हर रोज कहते चलो 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 है, तो कहाँ से हो जाए। राय रमन संवाद जो है पाठ करने के लिए एक दिन आरंभ किया, प्रभु कही पढ़े श्लोक, सात देर नहीं है, बस हो गया। बोले इस साल में राय रमन संवाद करेंगे, वो भी हुआ ही नहीं। हाँ, इसलिए हम कहते इसके ध्यान ही दिया नहीं दिया हम लोग, वास्तविक सत्य है। सुबह चले गए, अभी आ रहे हैं, तो शरीर भी कर रहे हैं, जैसे भी हो व्यवस्था हो जाएगा, कोई भी बात नहीं, भगवान किसी के हृदय में किसी को प्रेरणा दे देंगे, आ जाएगा है, सभी आ जाएगा कुछ देर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, काल जो है वैष्णव होम होगा है, और दीक्षा मंत्र आदि जो लोग ने लिया वाले है उनके उपवीत संस्कार आदि है कराया जाएगा, ये समस्त विधान जो है, और इसके बाद जो है व्रत भंग भंग भी होगा है, एक महीने आप लोगों ने कठोर जी व्रत रखे हैं है, जो जो चीज आप लोग ने ठाकुर जी के दिया ही नहीं और भोजन भी नहीं किया, अथवा ठाकुर के दिया अपने भोजन नहीं किया है, वो काल ठाकुर जी के अर्पित करके उसके भी सबको दिया जाए है। विश्व के चार महीने हम लोग ये वस्तु नहीं लिया, क्या क्या नहीं लिया, एक प्लांट से नहीं लिया, मैंने बैगन नहीं लिया और लौकी नहीं लिया, सिम नहीं लिया, टमाटो नहीं खा, टमाटो बीच बीच में खा लिया कहते, राजमा वो भी कई कई ले लेते, हम तो नहीं लिया, हम तो मिला ही नहीं, बहुत पैसा ही नहीं है। महाराज बोले कार्तिक महीने में नहीं लिया, चार महीने का निकले मना किया गया है। तो काल जो है ये सब ठाकुर जी के भोग लगाया जाएगा, और विशेष करके वो दाल जो है क्या बोले है, उड़द की दाल जो है, कचौड़ी, हाँ हाँ ये सब जो है काल ठाकुर जी के भोग लगाएंगे, और लगा के सबके महाप्रसाद के रूप में सबको दिया जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी ला, जय जय श्री राम है।